हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की। तो देखिए, जो फर्स्ट सी प्रोग्राम बनाया था हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उसको देखिए। तो उसमें कमेंट लाइन और मेन फंक्शन के बारे में बताया जा चुका है। आज हम लोग बात करेंगे कि उसमें उसके बाद देखिए जो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ हुआ है, प्रिंट एफ फंक्शन जो यूज़ हुआ है आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसका क्या पर्पस होता है, एंड इट्स पर्पस। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तो आपको प्रोग्रामिंग करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है कि सी में क्या होता है कि सी डज नॉट कंटेन एनी इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले करना है आउटपुट जो है स्क्रीन पे, तो सी डज नॉट कंटेन एनी इंस्ट्रक्शन, ऑल आउटपुट टू स्क्रीन इज अचीव्ड यूजिंग रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन एंड वन सच फंक्शन इज प्रिंट एफ। तो यानी ये प्रिंट एफ क्या है, ये वही प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको अभी तक तो हम लोग कर रहे थे, ये लाइब्रेरी फंक्शन है इस तरह। ठीक, दिस इज ए लाइब्रेरी फंक्शन एंड इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। तो दिस इज ए लाइब्रेरी फंक्शन। इसका काम क्या होता है कि इस कोड इनके अंदर आप कोड्स में करके जो भी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रिंट एफ, ऐसे लिखा आपने, डबल कोट्स लगाया, फिर आपने कुछ भी लिख दिया, आपने लिख दिया से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक, तो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके ये न्यू दिल्ली प्रिंट होके आप दिखाएगा, समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज़ अगर आपको जो भी जैसे भी प्रिंट करनी है, आपको स्क्रीन पे देखनी है, वो आप इन कोट्स के अंदर आप लिख देंगे तो वो चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे आपको प्रिंट होके दिखेगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अब जो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था पिछले लेक्चर्स में, जो फर्स्ट सी प्रोग्राम वाला वीडियो देखिए, उसमें जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें क्या है कि उसको आप कंसीडर कीजिए। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वंस द वैल्यू ऑफ एस आई इज कैलकुलेटेड इट नीड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उसमें हम लोगों ने क्या किया था प्रोग्राम में कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ये स्टेटमेंट गिवन था प्रोग्राम में। तो एक बार जब हमने एस आई कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा पी दिया हुआ से, हमने दिया 1000, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर हमने दे दिए 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया 5%। ठीक है, तो क्या होगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो पी कितना हो गया 1000 इंटू एन कितना हो गया 3 इंटू सॉरी ये 5 है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया हमारा 5 या 15 150 रुपये, है ना। तो ये जो एस आई कैलकुलेट किया है कंप्यूटर ने 150, ये सिंपल इंटरेस्ट हमको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट्स में हमने लगाया परसेंटेज, मान लीजिए इंटीजर आ रहा है, या एफ फ्लोट अगर आपने लिया, देख लीजिएगा प्रोग्राम में क्या है, फ्लोट लिया है तो फ्लोट लिख दीजिएगा, तो मान लीजिए फ्लोट ही लिया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो परसेंटेज एफ ये किया आपने, और कॉमा करके यहाँ लिख दिया एस आई। तो एस आई में जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 150, वो यहाँ पे कोट्स के अंदर अपने आप ट्रांसफर होके यहाँ 150 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये काम होता है प्रिंट एफ का। अब इसके बाद क्या है कि सेकेंड चीज़ क्या है कि प्रिंट एफ फंक्शन अगर हमको यूज़ करना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करने से पहले देखिए, जो भी लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, अगर उससे रिलेटेड या उससे संबंधित आप हेडर फाइल डॉट एच फाइल, ठीक, यानी अगर आप हेडर फाइल को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो कंपाइलर उसकी मीनिंग ही नहीं जान पाएगा, तो फिर वो काम नहीं होगा। तो अब ये जो प्रिंट एफ जो फंक्शन है, इसकी मीनिंग कहाँ डिफाइंड है, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये हेडर फाइल सी के अंदर डिफाइंड है। तो ये प्रिंट एफ यूज करने से पहले आप देखिए, प्रोग्राम के शुरू में हमने एक स्टेटमेंट दिया है हैश, फिर हमने लिखा है इंक्लूड, और उसके बाद हमने ऐसे लिखा है एस टी डी आई ओ डॉट एच। तो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, इस फाइल को इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है,
कि जो आगे हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं या अभी आप देखेंगे और प्रोग्राम में स्कैन एफ यूज़ करते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन आप यूज़ करते हैं उनकी मीनिंग इसी हेडर फाइल में डिफाइंड है, इसलिए आपको ये इंक्लूड करना ज़रूरी है। और किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीका ये है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ लीजिए आप, हम आपको हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ कि हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना है तो हमेशा आप पहले हैश लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे इंक्लूड, और फिर जो भी हेडर फाइल, जैसे अभी तो हमने stdio.h केवल पढ़ा है, stdio.h ऐसे इंक्लूड करेंगे, अभी आगे आप math.h पढ़ेंगे, conio.h पढ़ेंगे, string.h पढ़ेंगे, तो जो भी आपको फाइल प्रोग्राम में ज़रूरत पड़नी है जिस भी फंक्शन की उससे संबंधित फाइल आप ऐसे करेंगे, फिर आप इंक्लूड लिखेंगे और फिर आप इसके अंदर फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे conio.h, ठीक। ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन स्क्वायर रूट वगैरह यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे इंक्लूड, आप यहाँ लिखेंगे math.h, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। टेक्निकली इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी मतलब समझ लीजिए क्या है, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब हुआ प्रोसेसिंग से पहले का जो भी डायरेक्शन आपको देना है प्रोग्राम को, कि भाई ये फाइल इंक्लूड करो, ये फाइल इंक्लूड करो, अभी आगे आप पढ़ेंगे डिफाइन भी आएगा एक स्टेटमेंट, है ना, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग से पहले ही हम बता देते हैं, तो वो जब सब चीज़ें प्रोसेसिंग से पहले आ जाती हैं तो उसके बाद उससे संबंधित हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो एरर नहीं दिखाता है, ठीक है। अभी तो ये हम आपको केवल अपना जो पहला हम लोगों ने सी प्रोग्राम बनाया है, फर्स्ट सी प्रोग्राम, उसकी वीडियो पढ़ी हुई है, जो स्टूडेंट्स नए हो वो शुरू से सी पढ़िए तभी समझ में आएगा, तो उसमें देखिए जो हमने फर्स्ट सी प्रोग्राम बनाया है, अभी हम केवल आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसमें कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, अभी डीप में ये चीज़ें आगे भी आएंगी, बार बार आएंगी, तो वन बाई वन करके उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, अब जनरल फॉर्म जो होता है, देखिए अब हम बात करेंगे अच्छा जनरल सिंटेक्स क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है किसका, प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए प्रिंट एफ इसका जनरल फॉर्म ये होता है कि आप, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ आपको एकदम क्लियर रहे कि ऐसे ही लिखना है, आप लिखेंगे प्रिंट एफ सब स्मॉल लेटर्स में, ठीक, उसके बाद आप ये ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला, फिर आप डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी डाटा आपको डिस्प्ले करना है उसका टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे अभी सिंपल इंटरेस्ट वाले में या यहाँ हम लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट की स्ट्रिंग, फिर कोट्स एंड करेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप सॉरी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आपने ले दिया, फिर यहाँ पे आप जो भी डिस्प्ले करना है वो वेरिएबल लिख देंगे, या कई करना है तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, अभी मैं बता भी देता हूँ कैसे, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कर देंगे, फिर आप इसको बंद कर देंगे, ये सेमीकोलन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया इसका प्रिंट एफ स्टेटमेंट का, ठीक। जैसे हमें मालूम है कि देखिए ये मालूम होना चाहिए, अभी आगे आप और पढ़ेंगे, परसेंटेज एफ हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, रियल वैल्यूज़ के लिए, मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर हो इसमें, परसेंटेज डी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, केवल इंटीजर वैल्यू के लिए, है ना, ये पता है आपको, और परसेंटेज सी हम किस लिए यूज़ करते हैं, केवल करेक्टर के लिए, करेक्टर के लिए, ठीक। तो अब जैसे अपने एग्जाम्पल में लौट आइए, जो हमने किया था अब हम लोगों ने फर्स्ट सी प्रोग्राम में, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, वो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपके हाथ में तो है नहीं, वो पॉइंटों में भी आ सकता है, तो हमने उसको डिक्लेयर किया था फ्लोट वेरिएबल, देखिए उसमें प्रोग्राम के लाइन में ऊपर, ठीक, तो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो फ्लोट का फॉर्मेट क्या होता है, ये परसेंटेज एफ, रियल वैल्यू कह लीजिए चाहे फ्लोट वैल्यू कह लीजिए या वैल्यू वो डेसिमल पॉइंट, तो जब आपको ऐसा ही प्रिंट कराना होगा तो इसलिए आप लिखेंगे प्रिंट एफ, ये लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स लगाया, इसके अंदर इसका स्ट्रिंग का फॉर्मेट हमने
इसको डिफाइन किया, इसका फॉर्मेट डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे परसेंटेज एफ, फिर डबल कोट से एंड कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक, जैसे एसआई और ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया आपका एसआई की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए आपने कहा एसआई के साथ साथ हमको पी एन आर और तब एसआई प्रिंट करना है, ठीक, ये चारों चीज़ें प्रिंट करनी है। तो अगर चारों चीज़ें प्रिंट करनी है तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक, ब्रैकेट लगाया, कोट्स लगाया, और जिस ऑर्डर में आप दे रहे हैं उसी ऑर्डर में यहाँ लिख दीजिए। तो मान लीजिए पी क्या है, ये परसेंटेज डी है, इंटीजर टाइप है, एन क्या है, इंटीजर टाइप है, आर क्या है, ये भी इंटीजर टाइप है, और एस आई क्या है, फ्लोट टाइप है। ये हुआ, कोट्स बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसी ऑर्डर में यहाँ वेरिएबल लिखेंगे पी एन आर एस आई और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया, ठीक। और केवल जरूरी नहीं, अच्छा इसको देखिए, इसको आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे एसआई की वैल्यू सब अभी जैसे हमने लिया था पिछले पेज पे 150 प्रिंट हो गई, ठीक। या ये जब एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे आपको इन चारों की वैल्यू, जैसे पी मान लीजिए 1000 आ गया, एन आपका 3 आ गया, फिर आपका आर जो है जो भी लिया था 5% लिया था, और एसआई 150, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हमें भाई जो आउटपुट आएगा, हमें आउटपुट को अच्छे से प्रिंट करना है, ठीक। अच्छे से प्रिंट करने मतलब कि सिस्टमेटिकली आए, अलग लाइन में आए, लिखा हुआ है कौन सी चीज़ क्या है। तो इस तरह से अगर हमें लिखना होगा तो हम फिर देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आ सकता है। आपने प्रिंट एफ लिखा, कोट्स लगाया, आपने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद आपने मान लीजिए रुपीस भी लिख दिया, ठीक, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब आप परसेंटेज एफ दे दीजिए, ये बंद कर दीजिए, कॉमा लगाइए, यहाँ एसआई लिख दीजिए, बस, ठीक। अब ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये पूरा लिखा हुआ आएगा, कहाँ तक देखिए, ऐसे लिखा हुआ आएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो चीज़ आपने लिखा है कोर्स में, इक्वल टू रुपीस, और इसके बाद रुपीस के बाद ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 150, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखने में ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है और समझने वाले को समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको प्रिंट करना है, और कायदे से भाई साफ सुथरा हमें समझ में आ जाए, तो आपने आप मान लीजिए इसको इस तरह लिखते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा प्रिंट एफ, ठीक, कोट्स लगाया हमने, फिर हमने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट, हमने लिख दिया प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक, अगर आप रुपीज़ भी देना चाहते हैं आपने लिख दिया रुपीज़, ये अब इसका लगा दीजिए डाटा टाइप परसेंटेज डी, ठीक। और आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट एक लाइन में आए और नेक्स्ट लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहीं पे आप स्लैश एन लगाइए। ये स्लैश एन से क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है कंट्रोल। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आपको शो करना है, रेट, तो आपने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये स्पेस दिया है हमने, तो जैसे कोट्स के अंदर जैसे आप लिखेंगे स्लैश एन से वो अगली लाइन में जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिख दिया, क्या लिखा, इज इक्वल टू मान लीजिए परसेंटेज एफ, और हमने कोट्स बंद कर दिया। अब कॉमा के बाद पहले प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने दिया पी, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया आर, और ये बंद कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट जो आएगा वो हमें ऐसे लिखा हुआ आएगा प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीस, और जो भी हमारे पी में वैल्यू होगी, तो जैसे हमने अभी 1000 लिया था तो 1000 आ गया। फिर इस स्लैश एन से क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, अब यहाँ पे यहाँ आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और आर में मान लीजिए 3 है तो उसे 5 है, तो ये आ जाएगा 5।
तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बेटर डॉक्यूमेंटेड वे में लिख सकते हैं, ताकि जो आपका आउटपुट पे स्क्रीन पे जो रिजल्ट आए वो भी बेटर डॉक्यूमेंट ढंग से आए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रिंट एफ का यूज़ क्लियर हो गया होगा। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि इसमें देखिए, प्रिंट एफ कैन नॉट ओनली प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बट इट कैन ऑल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब जरूरी नहीं कि ये जो हम लोगों ने कॉमा पी कॉमा आन ऐसे आर दिया था ना, तो यहाँ एक वेरिएबल नहीं, अगर यहाँ आप कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए आपने, मान लीजिए आपने ये लिखा, से सपोज कीजिए आपने कहा प्रिंट एफ, डाटा टाइप आपने लिख दिया से परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, ये सब इंटीजर टाइप हो गए, और मान लीजिए चौथा भी इंटीजर टाइप। ठीक, फिर आपने ये कोट्स क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपने वैल्यू दी 3, फिर आपने लिखा साहब 3+2, फिर आपने लिखा से सपोज कीजिए सी। ठीक है, फिर आपने लिखा a+b, पूरी इक्वेशन ही लिख दिया आपने, इनटू c-d। अब जब इस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो स्क्रीन पे आएगा, समझ रहे हैं आप, मान लीजिए अब कहेंगे सर ए बी सी डी की वैल्यू नहीं, मान लीजिए सर यहाँ मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ए में कुछ भी ले लीजिए आप, ए हमने ले लिया से 5, बी ले लिया हमने से 6, सी हमने ले लिया सी ले लीजिए 2, और डी आप ले लीजिए 1। मान लीजिए ये वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला छपेगा क्या, 3, तो ये आएगा 3। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 3 और 2 को जोड़ के 5। ठीक, फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सी, तो सी कितना है हमारा 2, तो सी हो जाएगा 2। और फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरी इक्वेशन कैलकुलेट करके, तो ए कितना है 5+ b है 6 × 2, अच्छा ठीक है, और -1 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5+6 × 12 − 1, ये हो गया 11 + 5 = 16, 16 आया ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा 16। तो कोई जरूरी नहीं आप वेरिएबल सिंगल वेरिएबल लें, आप इक्वेशन या एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि ये जो है वैलिड एक्सप्रेशन, मतलब सी के रूल्स के हिसाब से ये वैलिड एक्सप्रेशन होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो सी में डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से, प्रिंट एफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से आप स्क्रीन पे जो भी चीज चाहें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ प्रिंट एफ लाइब्रेरी फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और खुद भी लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।